हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। संडे मॉर्निंग का ये व्लॉग है। वैसे तो मैं 7 बजे उठी थी क्योंकि आज संडे था तो ज़्यादा कुछ हड़बड़ी भी नहीं था, ऑफिस एंड स्कूल वो सब भी नहीं थे, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा लेट में ही उठूँगी। एंड उठने के बाद मैं अपने यूट्यूब के काम में लग गई थी और ये सब सो रहे थे। एंड जब 8 बज गए उस टाइम पर मुझे याद आया कि आज तो हमें बाहर जाना था, तो हड़बड़ी में मैंने अमित को उठाया, थोड़ा सा ड्रेस वगैरह चेंज किया, बिना ब्रश किए बिना चाय पिए ही हम लोग निकल गए थे। एंड हम लोग गए थे नर्सरी, क्योंकि जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था आप सबको कि हमें कुछ प्लांट्स लाने हैं हमारे गार्डन के लिए, तो ये जो नर्सरी है बंद हो चुका था तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि ये कोई ऐसा नॉर्मल नर्सरी नहीं है, ये एक शॉप है जो कि आई थिंक बहुत ही सुबह सुबह खुलता है या फिर कब खुलता है मुझे नहीं पता। यहाँ पर अगर आधार कार्ड दिखाते हैं तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में प्लांट्स मिल जाते हैं। वीकडेज़ में तो टाइम नहीं होता है तो सोचा कि संडे को ही चलेंगे, बट कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। अब देखते हैं कब कहाँ जाते हैं और कहाँ से हम लोग प्लांट्स लेते हैं। तो बाहर से ही हमने चाय पी लिया और ईशान घर में ही था, वो नहीं गया था हमारे साथ। और अभी मैं काफ़ी टाइम बाद आपसे मिल रही हूँ क्योंकि हड़बड़ी में निकल गई थी तो घर का भी कोई काम नहीं हुआ था। घर आते आते 8:30 बज गए थे, तो आने के बाद फिर बेड वगैरह ठीक करना, घर में झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह करना, नहा के पूजा भी कर लिया था और तब अमित गए थे मार्केट, तो ये कुछ सब्जियाँ फ्रूट्स लेके आए थे। और अभी मैं पूजा वगैरह करके किचन में आई हूँ, ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मैंने निकाले हैं वॉश करने के लिए, साथ ही साथ चाय बना लिया है। और संडे को मैं मोस्टली ब्रेकफास्ट नहीं बनाती हूँ क्योंकि अमित जाते हैं वेजिटेबल मार्केट तो वहाँ से समोसे लेके आते हैं या फिर छोला भटूरा कुछ भी लेके आते हैं, तो मोस्टली संडे को मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाती हूँ। तो वही हम सब ने मिलके खाया और तब तक दूध भी आ गया था, काफ़ी टाइम हो गया था, दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है। और चाय और नाश्ते के जो बर्तन थे वो सब कुछ मैं यहाँ पे वॉश कर रही थी। लंच के लिए दाल और चावल चढ़ा दिया है और अभी मैं एक एक करके ये सारे वेजिटेबल वॉश करके इस कपड़े के ऊपर रख दूँगी ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा वाटर है वो सब सूख जाए और मैं फ्रिज में इसे स्टोर कर सकूँ। आज मैं बहुत ही सिंपल सा लंच बनाने वाली थी लेकिन 2-3 आइटम्स इसमें रहेंगे क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, संडे को ही हम लोग नॉनवेज बनाते हैं, अमित भी रहते हैं घर में और अच्छा भी लगता है कि सब मिलके खाना खा रहे हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मन करता है कुछ ऐसे आइटम्स बनाऊँ जिसमें थाली पूरा भरा भरा सा लगे, कुछ सिंपल सा रहे और अच्छे से सबके लिए खाना सर्व करके दूँ। तो बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने बैंगन और आलू को गोल गोल करके कट कर लिया था, थोड़ा सा मोटा मोटा कट करना है क्योंकि इसे हमें डीप फ्राई करना है। एंड इस बैंगन में ना थोड़े से बीज थे, बीज वाले बैंगन फ्राई करने से उतने अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन अब मेरा मन था बनाना तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर। एंड कुछ भिंडी मेरे पास पहले के रखे हुए थे, आज मैं भिंडी का एक नया रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ। जब तक ये सारे वेजिटेबल मैं कट कर रही थी, दाल तो पहले ही बन गया था, चावल भी बन के रेडी था, तो चावल में एक्स्ट्रा वाटर मैं निकाल दूंगी और इसको पलट के रख दूंगी ताकि जो भी सारे बचे कुचे वाटर है वो अपने आप ही रिलीज़ हो जाए। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं भिंडी की ही रेसिपी बना रही हूँ, तो भिंडी को हमें थोड़ा सा हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है क्योंकि लो फ्लेम पर अगर भिंडी बनाते हो ना तो भिंडी बिल्कुल मशी हो जाता है और खाने में वो अच्छा नहीं लगता है। आलू और बैंगन जो भाजी के लिए कट करके रखा था उसमें मैंने नमक और हल्दी मिला दिया है और भिंडी को साथ ही साथ में पलटना है, नहीं तो वो जल भी सकता है क्योंकि बिल्कुल हाई फ्लेम पे भिंडी मेरा किया हुआ था। एंड इसी के साथ मैं मसाला बना लूँगी भिंडी के लिए, जिंजर और गार्लिक का रेडीमेड पेस्ट मेरे पास है तो उसका मैं पेस्ट नहीं बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे लिया है एक टमाटर मीडियम साइज़ का, एक अनियन मीडियम साइज़ का, इसको रफली चॉप करना है और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। बारीक ग्राइंड करने से भी होगा, थोड़ा सा दरदरा रहेगा तो और अच्छा टेस्ट में आएगा। ड्राई रोस्टेड मूँगफली भी इसमें डाल सकते हो, मुझे बाद में ये आइडिया आया, मैं डेफ़िनेटली और एक बार ट्राई करूँगी इसके साथ। भिंडी कुक हो गया है तो इसको मैं निकाल के रख लूँगी और सेम कढ़ाई पे मैं ऑयल ऐड करूँगी क्योंकि अभी हमें इसका मसाला बनाना है। प्याज और टमाटर के पेस्ट में मैं ग्रीन चिलीज ऐड करना भूल गई थी तो यहाँ पे मैं 2 ग्रीन चिली ऐड करूँगी। और मैं बहुत ही कम भिंडी बना रही हूँ क्योंकि मुझे और ईशान को भिंडी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, ईशान को भिंडी बिल्कुल भी नहीं पसंद है।
ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें मैं डायरेक्टली ये पेस्ट ऐड कर दूंगी। और आप चाहो तो आप जीरा या फिर पाँच फोरन कुछ भी डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ पे और कुछ भी ऐड नहीं किया था। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, मुझे बहुत पसीने आ रहे थे, और पास के जो दरवाज़ा है वो भी मैंने बंद करके रख दिया था, क्योंकि कियान बार बार बाहर जा रहा था और वो बाहर जाएगा मतलब पानी के साथ ही खेलेगा। ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उस मसाले में ऐड कर दिया। एंड अभी मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें यूज़ करूँगी। ये रेडीमेड वाला है बट टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। देन जो भी हमारा बेसिक मसाला है, नमक, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा थोड़ा मैं इसमें ऐड करूँगी। मसालों को अच्छे से फ्राई करूँगी और उसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि भिंडी हमारा पहले से कुक किया हुआ है, तो उतना ही पानी ऐड करूँगी ताकि मसाला अच्छे से कुक हो जाए। ईशान यहाँ पे नहा के आ गया है, बन गया स्पाइडर मैन और मुझे दिखाने के लिए किचन में आया है ये। एंड यहाँ पे क्लिप कितनी अच्छी लग रही है, मतलब कितना पॉपअप कर रहा है ये रेड कलर, पीछे जो इन्वर्टर का बैटरी का ग्रीन कलर है। तो चलो, यहाँ पे मसाला हमारा पक गया था, इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स और इसमें मैं सारी जो हमारी फ्राई की हुई भिंडी है वो ऐड कर लूँगी। भिंडी को ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ऑलरेडी वो कुक किया हुआ है, ज़्यादा पकाओगे तो गल जाएगा। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट इज़ इनफ, तो उसके बाद हमें गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है। और इधर जो भी सारे वेजिटेबल मैंने वॉश करके रखा था ये सब कुछ सूख गया है, तो एक एक करके इन सब को मैं स्टोर करूँगी फ्रिज में। थोड़े दिन पहले ही मैंने आपके साथ फ्रिज की डीप क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन शेयर किया है, किस तरह से मैं अपनी फ्रिज को ऑर्गेनाइज करती हूँ। आप चाहो तो आप वो डिटेल ब्लॉग जाके देख सकते हो कि मैं किस तरह से इन कंटेनर को यूज़ करके अपनी फ्रिज को ऑर्गेनाइज करती हूँ। संडे को काम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है मुझे, क्योंकि अमित रहते हैं तो बच्चों को नहलाना, उनको रेडी करना, उनको इंगेज रखना, ये सारी जिम्मेदारियाँ वो बहुत अच्छे से निभाते हैं। सब्जी बनके रेडी थी तो इसको मैं निकाल लूँगी एक दूसरे बर्तन में, और इस कढ़ाई को और बाकी सारे जो बर्तन अभी इकट्ठे हुए हैं ना, इन सबको मैं वॉश कर लूँगी और किचन को भी थोड़ा थोड़ा क्लीन करना स्टार्ट करूँगी, नहीं तो एक बार में काफ़ी सारा काम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो खाना बनाने के साथ ही साथ मैं किचन को भी क्लीन करती रहती हूँ, ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ, ताकि जब तक खाना बने उसके बाद मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे क्लीनिंग में। आज वैसे भी मुझे थोड़ी सी देर हो रही थी, अभी 1 बज गया था, लेकिन अभी तक मेरा लंच बना नहीं था। मैं बस होप कर रही थी कि 1:30 बजे तक मैं खाना बना के किचन को समेट के, किचन के सारे बर्तन वॉश करके, क्लीन वगैरह करके मैं बच्चों को खाना सर्व कर दूं, कियान को खाना खिला दूं। अभी मैंने किचन को थोड़ा सा समेट भी लिया है, किचन को थोड़ा क्लीन कर लिया है, ये सारे बर्तन वॉश कर लिए हैं। अभी मैं दाल में छौंक लगा लूँगी, जिसके लिए कढ़ाई में मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, इसमें मैंने ऐड किया है जीरा। देन मैं ये बॉईल किया हुआ दाल इसमें ऐड कर दूँगी, जिसमें नमक डाल के ही मैंने बॉईल किया था। उसमें मैं ऐड करूँगी हल्दी और थोड़ा सा किचन किंग मसाला। गैस को ऑफ करने के बाद मैं धनिए के पत्ते ऐड कर लूँगी। अभी मैं ये आलू और बैंगन भी फ्राई कर लूँगी, जिसके लिए कढ़ाई में मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है क्योंकि मैं ये सारा कुछ डीप फ्राई करने वाली हूँ। तो एक एक करके सारा आलू मैंने ऐड कर दिया है, अच्छे से डीप फ्राई करने के बाद मैं उसको निकाल लूँगी। देन मैं सारे बैंगन भी सेम ऑयल में ही फ्राई कर लूँगी। नमक और हल्दी ऑलरेडी मैंने लगा के रखा था, तो दोबारा से यहाँ पर कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं है। रेडी है हमारा इजी सिंपल संडे स्पेशल लंच, जिसमें मैंने बनाया है राइस, उसके बाद मैंने बनाया है दाल, मसाला भिंडी जो कि बहुत ही अच्छा बना था, मैंने भी टेस्ट किया था, इसके साथ मैंने पापड़ फ्राई किया है और क्यूक्यूम्बर कट किया है। देन यहाँ पे है आलू और बैंगन भाजा। ओके, अभी लंच वगैरह करने के बाद ये रात का टाइम है, ईशान अपना पढ़ाई कर रहा है
और हम लोग अभी मंथली बजट बना रहे थे क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हमारा अभी एक मंथ से भी ऊपर हो गया है। तो अभी हम यहाँ पे बैठ के दोनों मिलके सारे एक्सपेंसेस, सेविंग्स एंड ऑल ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, एक बजट बनाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया था उसके बाद दोनों मिलके हम अभी लग गए हैं किचन में। तो यहाँ पे अमित बनाने वाले थे गार्लिक चिकन और काफ़ी दिनों बाद ये बन रहा था घर में, और मैं यहाँ पे लग गई हूँ कल के खाने की जुगाड़ करने के लिए क्योंकि कल मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल सी एक रेसिपी जो कि आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेरे पास ना कुछ उड़द के दाल रखे हुए थे, उसको मैंने सोक कर लिया है सेम क्वांटिटी में या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने राइस को सोक किया है। ये हमारा नॉर्मल राइस बनाने का ही राइस है बट ये थोड़ा सा मोटा है, इसको मैं स्पेशली इस तरह की रेसिपी बनाने के लिए ही लाती हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा किचन को ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, जो भी इधर उधर डब्बे हो जाते हैं पूरे दिन में वो थोड़ा सा कर लूँगी। बच्चों ने ऑलरेडी फ्राइड चिकन इंजॉय कर लिया था तो मैं और हस्बैंड अभी थोड़ा सा क्यूक्यूम्बर और अनियन के साथ इंजॉय करेंगे। और ये देखो ईशान आ गया है रोटी बनाने में हेल्प करने के लिए, उसको आजकल बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। हर रोज़ मुझे बोलता है कि एक लोई मेरे लिए भी रख देना, तो जैसे मुझे मेरी नानी बचपन में बोलती थी कि लास्ट वाला तुम बनाना, तो वही अभी मैं ईशान को बोल रही हूँ। तो कुछ इस तरह से हमने स्पेंड किया हमारा संडे। आई होप कि आपको आज का छोटू सा ब्लॉग पसंद आया है, तो लाइक बटन ज़रूर हिट करना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नए ब्लॉग के साथ।